नगर पालिका परिषद बिलारी एवं नगर पंचायत कुंदरकी का मतदान आज हो रहा है, जिसकी व्यवस्था को लेकर SCRA उदय सिंह, CDO इंदुमती सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पूनम सिहोरी, कोतवाल राजवीर सिंह ने संयुक्त रूप से नगर में अनेक मतदान केंद्रों का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों की कार्यशैली को समझा और खामियां देखकर उन्हें विलम्ब से कार्य कर रहे मतदान कर्मियों को निर्देश भी दिया। नगर के जूनियर हाई स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर भ्रमण कर सारी व्यवस्था को देखा। इसके अलावा गन्ना समिति परिषद में बूथों पर लगी लाइन में मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड और मतदाता पर्ची को चेक किया। मतदान कर्मियों को निर्देश भी दिए। विधायक मोहम्मद फहीम ने बिलारी में मतदान किया। नगर पालिका परिषद में आज 29 नवंबर को मतदान चला, जिसमें लोगों को मतदान करने में भारी उत्साह दिखाई दिया। सवेरे ही बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने मतदान कर सभी नगर वासियों को संदेश दिया कि वह भी सभी अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान करना सबका अधिकार है और सभी को मतदान के प्रति जागरूक होना चाहिए। बिलारी तहसील में नगर पालिका परिषद बिलारी और नगर पंचायत कुंदरकी में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। टोटल मिला के 65 बूथ थे, यहाँ पे 65 जगह मतदान हो रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अभी चूँकि आंकड़े अभी फाइनल अभी आए नहीं हैं, कल किए जा रहे हैं, जिसमें सभी जगह पोलिंग पार्टियों ने बहुत ही निष्पक्षता से बहुत पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराया है। इसी तरीके से जैसे लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का ही चमत्कार है कि यहाँ पर जो है वो मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ऐसे ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें और लोकतंत्र की जड़ों को और पानी देते रहें। माहौल में मतदान किया, मतदान से पहले का माहौल और मतदान के बाद का माहौल पूरी तरीके से इस तरीके से लगता है कि गंगा जमनी तहजीब जो विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने कायम की, उस नाम पर बिलारी के लोग समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से वोट कर रहे हैं और करेंगे। मैं प्रशासन के अधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा माकूल इंतज़ाम के लिए और जो अंदर हमारे सारे अधिकारी वर्ग हैं उनका भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। मैं मतदाताओं से अपील करूँगा कि हमारा मकसद आपसी एकता भाईचारा गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने का। जो लोग इस मोहब्बत को ख़त्म कर राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों की राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं को, अधिकारी वर्ग को, मतदाताओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें। और हमारा कहना यह है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साहब, आजम खान साहब की एक सेकुलर, एक ईमानदार, एक सच्ची गंगा जमनी तहजीब को कायम करने वाली, विकास को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें, ईमानदारी से वोट करें, माहौल बनाकर वोट करें, प्यार के साथ वोट करें। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहने वाले लोग हैं, हमारा मकसद एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।